नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा पुरकाजी में आज अमूल्य जीवन सेवा ट्रस्ट व जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से पुरकाजी के ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल में दिव्यांग जनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति व नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी ने किया। इस दौरान दर्जनों विकलांग जनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति व पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी ने बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया। इस दौरान मोहन प्रजापति ने कहा कि अमूल्य जीवन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह प्रजापति के द्वारा कई वर्षों से गरीब, असहाय व विकलांग दिव्यांग जनों के लिए परोपकारी कार्य निःशुल्क किए जा रहे हैं। और जहीर फारूकी चेयरमैन ने बताया कि जनपद में बड़े समाज सेवी के रूप में उभर कर आए हैं। वह दिव्यांग जनों का सहारा बन रहे हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ गरीब असहाय लोगों की मदद करना है। वहीं ऐसे कार्य करने से मन की शांति मिलती है। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह प्रजापति ने बताया कि आज दर्जनों दिव्यांग जनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए के करीब है। वहीं हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क आँखों के कैंप व ब्लड डोनेशन कैंप भी समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, ताकि गरीब जरूरतमंदों की निःशुल्क मदद की जा सके, और यह मदद आए दिन बढ़ती जा रही है। इस दौरान मुख्य रूप से भूषण त्यागी, यशपाल सिंह पुंडीर, नौबहार, अनुराग पुंडीर, हाफिज मोहसिन, नदीम मेंबर आदि मौजूद रहे। सराय रसूलपुर जी, पहली बार। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा जी, घूम फिर सकते हैं हम भी कहीं। किसके परिवार से मिली? ये राजवीर जी के परिवार से मिली जी हमसे, संस्था से जी। यो डॉक्टर राजवीर सिंह ने फोन किया था, उसके द्वारा मिली है। तो जैसे आपको रिक्शा मिली, पहली बार मिली है ना? हाँ जी, बैटरी वाली पहली बार। कैसा महसूस कर? बहुत बड़ा अच्छा जी। अपने लिए तो हर आदमी जीतता है ना, दूसरों के लिए जीने में तो कुछ मजा ही हो रहा है। दूसरे के लिए जीएंगे तो कुछ दिल में सुकून और ही ज़्यादा मिलेगा। आदमी अपना काम भी छोड़ देगा दूसरों के लिए, ये सच्ची सेवा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा। आपको रिक्शा मिली है? नहीं, अब इससे पहले रिक्शा नहीं मिली। 2018 में वैसी रिक्शा मिली थी साइकिल वाली, उसके बाद हमें कोई रिक्शा नहीं मिली, यही रिक्शा मिली है। किसके प्रयासों से मिली? यहाँ पुरकाजी में अमूल्य सेवा ट्रस्ट के नाम से जो है एक ट्रस्ट है, जिसका संचालन पुरकाजी स्तर पर डॉक्टर राजवीर प्रजापति जी करते हैं, और जो लगातार काफ़ी समय से जो है इनसे जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। कई सारे यहाँ पे अब तक जो है आँखों के कैंप लगा चुके, कई सारे ब्लड डोनेशन के कैंप लगा चुके, अब आज ये जो है दिव्यांगों को ई रिक्शाएँ दी गई हैं, ये भी इन्हीं के सहयोग से हुआ है। ये 20 रिक्शाएँ थी, 20 थी ना जी, 23 रिक्शाएँ दी गई हैं। और ये तो लगातार इस तरह के काम जो है लगातार करते रहते हैं, जिस क्षेत्र में भी इन्हें कहीं जो है संभावना नज़र आती है कि यहाँ जो है कोई समाज सेवा हो सकती है, ये तुरंत आगे बढ़ करके वहाँ चले जाते हैं तो समाज सेवा करने का। हाँ जी, जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे जनसेवा कर रहे हैं जी, कस्बे वासियों को इसकी क्या मैसेज? कस्बे वासियों के लिए है कि जैसे डॉक्टर साहब जो है कस्बे वासियों के लिए भी, क्षेत्र वासियों के लिए भी इतना सहयोग कर रहे, कस्बे वासियों को भी चाहिए, हाँ कस्बे वासियों को भी चाहिए कि वो भी जो है कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ चलें, इन्हें सहयोग करें, चाहे इनका ब्लड डोनेशन का कैंप हो, चाहे इनका आई वाला कैंप हो, चाहे किसी भी तरह का कैंप हो, इनको जो है तन से, मन से और धन से। देखिए, पुरकाजी क्षेत्र के अंदर अमूल्य जीवन सेवा ट्रस्ट नाम से एक संस्था है, ये पिछले कई सालों से हमारे पुरकाजी क्षेत्र में, जिले के आसपास क्षेत्र में कार्य कर रही है। जो हमारे दिव्यांग भाई और हमारी बहनें हैं उनके लिए काफ़ी लंबे समय से कार्यरत है। इस संस्था ने मेरी जानकारी में सैकड़ों लोगों की आँखें के ऑपरेशन करा दिए, 29,000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन भी करा दिया इन्होंने, और ये लगातार पूरे क्षेत्र में इस तरह के प्रयास करते रहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र से दिव्यांग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ब्लड डोनेट में भी इनकी संस्था का बड़ा अमूल्य योगदान समाज के अंदर है, उन्हीं अपनी सहयोग और समाज के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है उसके चलते आज उन्होंने हमारे दिव्यांग समाज के जो हमारे भाई बहनें हैं उन्हें ये इलेक्ट्रॉनिक ये जो रिक्शा दी है, इससे इनके जीवन स्तर में ज़रूर सुधार होगा। परेशान हैं वो, खुद ही चलने फिरने में बड़े माजूर हैं, लेकिन इनकी संस्था द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है ये सहयोग इनका है, इनकी संस्था का, पूरे पुरकाजी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ कि लगातार अच्छे प्रयास पहले से कर रहे हैं, आज एक बार फिर इन्होंने बहुत अच्छा योगदान समाज में दिया है। जैसे डॉक्टर साहब बार बार ब्लड डोनेशन
या ऐसी चीज़ें सहायता करते रहते हैं, समाज सेवी हैं, इनके लिए आप कुछ सम्मान में काम करेंगे? उनका तो सम्मान है, उनका गिनीज बुक में नाम आ गया, वो तो पूरे पुरकाजी, असल में नगर पंचायत पुरकाजी से बाहर के क्षेत्र के रहते हैं डॉक्टर साहब, मेरे नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन नगर पंचायत डॉक्टर साहब के हर काम में सहयोग करती है, जहाँ डॉक्टर साहब बुलाते हैं हम अपने 10 काम आगे पीछे करके वहाँ रहते हैं, हमारा पूरा सहयोग रहता है, हमेशा आगे रहता रहेगा डॉक्टर साहब के साथ भी, उनके पूरी टीम के साथ, और जितने लोग इस तरह के समाज में अच्छे काम करते हैं उनके सब के साथ हम हमेशा रहते हैं। सर यहाँ मौजूद सबसे पहले मेरे गुरु यहाँ पे, यहाँ के प्रिंसिपल और हमारे गुरु जिनसे हम बचपन से पढ़े, यशपाल मास्टर जी, यहाँ मौजूद डॉक्टर साहब और संस्था के यहाँ सब कुछ कार्यधारी जो यहाँ पुरकाई क्षेत्र में है, डॉक्टर राजवीर जी, और यहाँ मौजूद मंच पे जितने लोग सम्मानित लोग हैं, सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और पुरकाजी में स्वागत करते हुए मैं आप सभी लोगों से, जो यहाँ मेरे दिव्यांग भाई और बहनें हैं, मैं उन सभी से चाहूँगा कि देखो आपके लिए समाज के अंदर बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं, ये संस्था जो है इनकी ये लगातार आप लोगों के लिए काम करती है और ये समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, 5-6 साल से तो मैं देख रहा हूँ, ब्लड डोनेट में भी, उससे पहले ट्राईसाइकिल भी दी थी, उसके बाद में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो आप सभी लोगों से भी मैं ये चाहूँगा कि जो आपके लिए कर रहा आप उसके लिए दुआ तो ज़रूर कर दिया करें, कम से कम इनके लिए, इनकी संस्था के लिए, जो लोग आपका सहयोग करते हैं उन सब के लिए, और हमारे सरकारी अस्पताल के यहाँ पर प्रभारी महोदय खड़े, कोई आपको दिक्कत परेशानी हुआ करे तो सरकारी अस्पताल में ज़रूर जाया करो। होता क्या है पुरकाजी में, हम लोग सरकारी अस्पताल में ना जाके झोला छाप डॉक्टरों के पास जाके दवाइयाँ लेते हैं और अपनी जेब की कटाई करवाते हैं, उन दवाइयों का हमें स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। सरकारी अस्पताल में हमारे MBBS डॉक्टर हैं, बहुत मेहनती और अच्छे अच्छे काबिल डॉक्टर हैं, तो हम सब लोगों को चाहिए कि सरकारी अस्पताल में जाएँ, और मैं डॉक्टर साहब से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि अगर कोई भी दिव्यांग आए वहाँ पर तो उन्हें प्राथमिकता के तौर पर उनका सहयोग किया जाए और उन्हें सुविधाएं दी जाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कस्बे में कम ब्लड डोनेट करते हैं, बिहार से आ जाते हैं, इन डॉक्टर साहब की ये शिकायत है, तो आप कस्बे क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले आपसे ही कहना चाहूँगा कि जब डॉक्टर साहब आपके ब्लड डोनेट कैंप लगाएं कि आप भी आएँ, मसरूर भाई भी आएँ और सब अपने रिश्तेदारों को, सबको ले गए, सबका ब्लड डोनेशन कराएं यहाँ पे, तो उससे एक जागरूकता है कि समाज के अंदर जब पत्रकार ही उसके अंदर सहयोग करेंगे तो पूरा सब लोगों के अंदर जागृति आएगी, सब लोग उसके अंदर सहयोग करेंगे। इनके देखिए, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा अभी सभी से कि आप इलाज के लिए हमारे सरकारी अस्पताल में आइए, और हमारे यहाँ सारी सुविधाएं फ्री है, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया MBBS डॉक्टर्स है, सब क्वालिफाइड है, बाकी बाहर ना जाके, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, हमारे अस्पताल में आइए। और डॉक्टर साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि जो मुझे पता चला मेन चीज़ जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप जो हमारे अस्पताल में भी ये लगवाते हैं, इनके लिए बल्कि बात करूँगा उनसे आज मैं, एक कैंप लगवाने के लिए, और एक मोतियाबिंद का कैटरेक्ट का ऑपरेशन जो कि बहुत मेन है, एक ब्लड डोनेशन और एक आँखों से देखने के लिए आई का ऑपरेशन, दोनों ही बहुत अच्छे कार्य हैं इनके, जो मेन है जो हमारे से रिलेटेड है। तो बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ इस ट्रस्ट को, इस टीम को। डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ कस्बे में कुत्तों का, बंदरों का बहुत आतंक है, जी जी, तो इसके बारे में कोई उपाय बताइए? देखिए, उपाय तो ये है, बचिए, सबसे पहले तो अपने से खुद से बचाव है, बाकी हमारे यहाँ इंजेक्शन अवेलेबल है। नहीं, वो हमारे कस्बे में नहीं मिलता, गाँव में जाना पड़ता है। नहीं नहीं, फलोदा में दरअसल हमारे यहाँ जो ऊपर से ही बना हुआ है वो CHC पे लगते हैं, जो हमें वहाँ से जिले से जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंजेक्शन, तो CHC के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बाकी हमारी PHC पुरकाजी में भी इमरजेंसी में लगते हैं, CHC फलोदा में लगते हैं और CHC तुगलकपुर, हमारे क्षेत्र में इस ब्लॉक में तीन जगह लगते हैं इंजेक्शन, बाकी इमरजेंसी के लिए 24/7 हमारे PHC पुरकाजी पे अवेलेबल रहता है, सारी इमरजेंसी सेवाएँ पुरकाजी में चलती है हमारी। इंजेक्शन अवेलेबल है, इंतजाम तो नगर निगम करेगा कुत्तों के लिए। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।